शीतलाष्टमी का पर्व मंगलवार को शहर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घर घर में माता की पूजा अर्चना हुई और सौभाग्यवती महिलाओं ने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। मान्यता के अनुसार बात यह है कि माता शीतला को शीतल और एक दिन पहले पकाए गए पकवानों का भोग लगाया जाता है। वैसे तो लोग इसकी तैयारी 2-3 दिन पहले से ही करते हैं, लेकिन मंगलवार सुबह लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह नजर आया। कुछ घरों में सूर्योदय से पूर्व पूजा हुई तो कई परिवारों ने सूर्योदय के बाद शीतला माता की विधिवत पूजा की। माँ कल्याणी मंदिर के बाहर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। यहाँ सुबह से ही लोगों का आना जारी रहा। मंदिर के कपाट खुलते ही लोग शीतला माता की पूजा अर्चना में जुट गए। दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों की भीड़ बढ़ती गई। केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी माता के दर्शन करने पहुँचे। शीतला सप्तमी व अष्टमी पर ठंडा भोजन ही खाया जाता है, इसलिए इस पर्व को बासियोड़ा भी कहते हैं। घरों में एक दिन पूर्व खाना तैयार कर ठंडा किया गया और बिना गर्म किए उसका स्वाद लिया गया। मंदिर के पीठाधीश्वर श्याम जी पाठक का कहना है कि यह मेला 175 वर्षों से चला आ रहा है, जिसका विवरण ब्रिटिश काल में मिलता है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पौराणिक मेला है। सुबह से लगभग 1,00,000 भक्त यहाँ आ चुके हैं। ये सिलसिला पूरी रात चलेगा। वही मंदिर में आए भक्तों का कहना है कि 3 दिन पहले हम इस पूजन अर्चन की तैयारी करते हैं, हमें इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। ये शीतला माता की पूजा होती है, जिसमें इसमें नीम की पूजा, नीम के पेड़ की और पीपल के पेड़ की भी पूजा होती, कहा जाता है इसमें शीतला माता का निवास होता है और कल्याणी देवी हमारी सिद्धपीठ है, इसलिए इनके लिए एक पहले सप्तमी के दिन इसका पूरा विधान से पूजा करी जाती है। आके मंदिर में जल बीड़ा बताशा चढ़ा के उसके बाद घर पे आप बासी भोजन बनाते हैं, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का बनाते हैं। कोई इसमें बासी भात चढ़ाता है, कोई दही भात और कोई पूरा पक्का खाना पकवान बनाता है, और पकवान बनाने के बाद यहाँ आके मंदिर में पूजा करते हैं, फिर यहाँ का प्रसाद ग्रहण करके और घर में भी इसी तरह पूजा करी जाती है। कलश रख के देवी माता प्रतीक मान के शीतला माता के घर में भी पूजा करते हैं, फिर आके यहाँ पूजा पाठ करके। ये शीतला महारानी की पूजा है, ये ठंडी पूजा की जाती है, इनके मतलब जो पूड़ी हलवा बनता है वो ठंडा करके तब चढ़ाया जाता है, इसलिए बासी कढ़ाइयाँ होती है। बासी बनाने के बाद फिर इनको माता जी को चढ़ाया जाता है। घर में पूजा करने के बाद फिर मंदिर आते हैं, मंदिर में आकर माता रानी को चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका पूजा करते हैं। प्रयाग की अधिष्ठात्री शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी के प्रांगण में आज शीतलाष्टमी के शुभ अवसर पर प्रातः 4 बजे मंगला आरती के साथ ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये मेला अपने आप में एक विशेष मेला है। ये मेला पिछले 175 वर्षों से चला आ रहा है, जिसका विवरण ब्रिटिश काल के गजेटियर में भी इस मेले का विवरण मिलता है। इसी से ज्ञात होता है कि ये मेला प्रयाग में माँ कल्याणी के धाम में कितना प्राचीन है। शीतलाष्टमी को बसियौराष्टमी भी कहते हैं। कल सप्तमी को माताएं अपने अपने घरों में अपने पुत्रों की दीर्घायु मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और हलवा पूरी नेवज बनाती हैं और उसी को बासी ठंडा कर आज बासी भोग माँ को लगाती हैं और पूरे परिवार के साथ इसे ग्रहण करती हैं। अपने परिवार पुत्र की स्वस्थ मंगल कामना, स्वस्थ आयु के लिए व्रत रख के सप्तमी को अष्टमी को शीतला मतलब ठंडा, शीतल माने ठंडा करके माँ को भोग लगाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और अपने और पुत्रों और परिवारों के लिए माँ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ कल्याणी आदिकाल से भक्तों का कल्याण करती रही, इसीलिए इनका कल्याणी भी नाम है। शीतलाष्टमी का मेला अपने आप में विशेष मेला क्यों है? क्योंकि ये मेला लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरे लगता है। संपूर्ण रात्र मंदिर नहीं बंद होता है। एक दिन में माँ के प्रांगण में लगभग 1,00,000 से अधिक भक्तगण मत्था टेकते हैं। शहर के अलावा ग्रामीण और नगर के क्षेत्र से भी लोग बैंड ढोल नगाड़ा के साथ ध्वजा पताका निशान आदि चढ़ाने आते हैं और संपूर्ण रात्र बिरहा नौटंकी कीर्तन देवी जागरण इत्यादि कार्यक्रम होता है। इस मौके पर मंदिर की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़ी। दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए थे।
पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवान मंदिर के आसपास मौजूद थे, जिससे कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके।